Hello everyone, welcome to the Medicoge IQ. In this session, I am going to discuss with you a biochemic remedy, जो कि सुसलर्स के 12 biochemic remedy में से एक है, that is calcarea phosphorica, which you can say that calcarea phos, and its common name is the phosphate of lime or calcium phosphate. It means it is a सॉल्ट. तो कैल्शियम फॉस्फेट आप जानते हो कि ये एक सॉल्ट है. तो जो इसमें हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे वो खास करके कैल्शियम के डिफिशियंसी के कारण या फॉस्फेट के डिफिशियंसी के कारण जो सिम्टम्स हमारे बॉडी में अपीयर होते हैं, तो ऐसे सिम्टम्स में हम कैल्केरिया फॉस को देना प्रीफर करेंगे. मतलब बायोकेमिक रेमेडी का क्या मीनिंग है, तो इसमें जो हमारे बॉडी में कुछ चीज़ें की डिफिशियंसी हो जाती है, कुछ सॉल्ट या कुछ एलिमेंट की डिफिशियंसी हो जाती है, तो उस डिफिशियंसी को हम फुलफिल करने के लिए देते हैं. जैसे अगर बोन वीक हो जाता है तो वहाँ पे हमें कैल्शियम खाने को दिया जाता है, तो इसलिए कि कैल्शियम की डिफिशियंसी हमारे बॉडी में हो गई, दैट्स व्हाई कैल्शियम इज गिवन. तो यहाँ भी सेम कंडीशन होता है. इट्स मेन एक्शन ऑन द टिश्यू व्हिच हैव द मोर कैल्शियम एंड द फॉस्फेट कंटेंट सच एज द बोन एंड द टीथ. तो यहाँ भी हमें उसी तरह के सिम्टम देखने को मिलेंगे और उसी टिश्यू पे इसका ज़्यादा इफेक्शन देखने को मिलेंगे जिसमें कि कैल्शियम और फॉस्फेट का स्टोरेज होता है, और कैल्शियम और फॉस्फेट जिसके लिए कि बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल. इट प्रोड्यूसेस ए स्टेट ऑफ माल न्यूट्रिशन बिकॉज ऑफ द डिफेक्टिव असाइमिलेशन. कैल्केरिया कार्ब में भी डिफेक्टिव असाइमिलेशन था, यहाँ भी सेम है कि कैल्शियम और फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, जिसके कारण बॉडी में डिफिशियंसी आ जाती है, और बॉडी में डिफिशियंसी होने के कारण जो सिम्टम्स मैनिफेस्ट होता है, ठीक है, दैट इज द सिम्टम्स ऑफ द कैल्केरिया फॉस. So in regard to the calcium and phosphorus leading to the improper bone formation, ossification and bending of the long bones, spinal curvature, delayed dentition and resulting in the rickets. तो कैल्शियम और फॉस्फेट के कारण डिफिशियंसी होने के कारण जो सारी सिम्टम्स हो सकती है वो सारे के सारे मैनिफेस्टेशन आपको इसमें देखने को मिलेगा. तो ये स्ट्रग में हमें पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या मेजर पार्ट है which has to be taken care of, that is the constitution. Constitution के बाद इसका जो important part है वो होता है इसका child. कैल्केरिया कार में भी हमने child को देखा था, किस तरह का child था, यहाँ भी हम लोग child देखेंगे, बहुत कुछ similar भी आपको देखने को मिलेगा. And then इसकी girls कैसी होती है, इसके girls में किस तरह का symptom देखने को मिलता है वो भी हम देखेंगे. And then GI symptoms, and last में हम कुछ other important symptoms देखेंगे, ठीक है. आइए तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो खास करके ये ऐसे बंदे में दिया जाता है हु इज एनीमिक विद द डार्क कॉम्प्लेक्शन एंड हैविंग डार्क हेयर एंड आईज. तो याद करिए कैल्केरिया कार्ब का जो पेशेंट था वो कैसा था, फैटी फ्लैबी था एंड फेयर कॉम्प्लेक्शन था, लाइट कॉम्प्लेक्शन था, ब्लॉन्ड हेयर था, ठीक है, ब्लू आईज था. बट यहाँ पे क्या है कि डार्क कॉम्प्लेक्शन है, डार्क आईज है, ठीक है, एनीमिक है पर्सन. ब्लड की डिफिशियंसी देखने को मिलेगी, चेहरे पे पेलनेस देखने को मिलेगा. एंड बंडा लीन थिन होता है, थिन स्पेयर सब्जेक्ट इंस्टीड ऑफ द फैट. तो उसमें फैटी फ्लैबी था बट यहाँ पे लीन थिन बंदा होगा. थर्मल रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो ये भी बंदा कोल्ड सेंसिटिव होता है, ठीक है, हैविंग द लैक ऑफ एनिमल हीट. चूंकि इसके बॉडी में वाइटल हीट भी नहीं होता है, जो कि हमारे बॉडी में होमियोस्टेसिस होती है कि हमारे बॉडी के इंटरनल हीट को मेंटेन करके रखता है, तो इसके बॉडी में इंटरनल हीट भी नहीं होता है, और इसका स्वेट कोल्ड होगा, जनरल कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, और इस वजह से इसके पूरे बॉडी पार्ट क्या होंगे, कोल्ड कोल्ड. आइए इसके बाद जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है चाइल्ड, और चाइल्ड में खास करके अफेक्शन ऑन द बोन टिश्यू देखने को मिलेगा. तो वहाँ कैल्केरिया कार्ड में भी हमने बोन अफेक्शन देखा था, यहाँ भी बोन अफेक्शन देखने को मिलता है, और वो भी लगभग सिमिलर मिलता है, देखते हैं कैसे. तो चिल्ड्रंस आर इमेसिएटेड, ठीक है, वहाँ पे फैटी फ्लैबी होता है बट बोन वीक होता है, तो चिल्ड्रन बच्चा जो होता है वो इंटरनली वीक होता है, बट यहाँ पे इमेसिएटेड होता है, अनेबल टू स्टैंड, सेम सिचुएशन, क्योंकि बोन इसका वीक है, सॉफ्ट है, तो बच्चा खड़ा नहीं हो पाता, अनेबल टू स्टैंड एंड स्लो इन लर्निंग टू द वॉक एज इट इज, ठीक है, बोन के डिफिशियंसी स्लो डेवलपमेंट के कारण बच्चा जल्दी वॉकिंग नहीं कर पाता है. कैल्केरिया कार्ब एंड सिलिसिया. एंड देन है संकेन एंड फ्लैबी एब्डोमेन, बट एब्डोमेन इसका फ्लैबी देखने को मिल सकता है, ठीक है, संकेन भी देखने को मिलेगा. एंड रेकाइटिस बेबी, ठीक है, रिकेट्स या फिर रेकाइटिस,
तो ये भी उस तरह का सिम्टम्स होता है विथ ओपन फॉन्टेनेलिस सूचर्स एंड इट रिमेन ओपन फॉर लॉन्ग टाइम और क्लोज एंड री ओपन। तो यहाँ भी सेम सिचुएशन है कि कैल्शियम की डिफिशियंसी है जिसके कारण इसका बोन ओसीफाई नहीं हो पाता है, बोन मेच्योर नहीं हो पाता है जल्दी, तो फॉन्टेनेलिस ओपन होगा, सूचर्स ओपन रह जाता है, या फिर कभी अगर बोन क्लोज सूचर्स क्लोज भी हो जाता है तो फिर से री ओपन हो जाता है, ठीक है। एंड क्रेनियल बोन्स आर थीन एंड ब्रिटल। तो क्रेनियल बोन्स जो ब्रेन का बोन है वो बहुत ही ज़्यादा क्या वीक कह सकते हैं, फ्रेजाइल सॉफ्ट होता है, ठीक है। देन स्पाइन वीक डिस्पोज टू कर्वेचर, तो उसका स्पाइन कर्व होने का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होता है स्पेशली टू द लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो लेफ्ट की तरफ ये हो जाता है कर्व, समझ गए, बहुत ज़्यादा कर्व जो स्पाइन आप देखेंगे तो लेफ्ट की तरफ आपको कर्व दिखेगा, ऐसा इसमें टेंडेंसी होता है। एंड अनेबल टू सपोर्ट द बॉडी, और बॉडी को सपोर्ट नहीं कर पाता है क्योंकि स्पाइन इसका वीक होता है, बोन भी इसका वीक होता है, तो बॉडी को सही ढंग से स्टैंड करके बैठ भी नहीं पाएगा ये, ठीक है। नेक इज सो वीक टू अनेबल टू सपोर्ट द हेड, नेक भी इसका इतना ज़्यादा वीक होता है स्पाइन और बोन के कारण कि सही ढंग से ये इसको स्टैंड नहीं कर पाएगा। तो ऐसा सिम्टम्स होता है कैल्केरिया फॉस का। अगेन डिलेड एंड कॉम्प्लिकेटेड दिखें क्योंकि कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों की डिफिशियंसी रहती है, तो इसलिए इसमें डिलेड डेंटिशन भी होगा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है, बहुत टफ डेंटिशन होगा, जल्दी नहीं होगा। एंड जो इसमें पिकुलियर चीज़ें हैं वो है उजिंग ऑफ ब्लडी फ्लूइड फ्रॉम द नेवल ऑफ द इन्फेंट्स, तो बच्चे के नेवल से ब्लड का डिस्चार्ज होता है, तो अगर ऐसा डिस्चार्ज है तो डेफिनेटली यू कैन थिंक ऑफ द कैल्केरिया फॉस। अगर इन्फेंट के नेवल से यूरिन का डिस्चार्ज होता है देन यू कैन थिंक ऑफ द हायोसाइनस। इसकी गर्ल्स की अगर हम बात करें तो खासकर प्यूबर्टी में, प्यूबर्टी के टाइम पे इसमें जो सिम्टम देखने को मिलता है वो है इसका एक्नी, इसके फेस पे बहुत ही ज़्यादा एक्नी देखने को मिलेगा। एंड साथ ही साथ एनीमिक गर्ल्स होती है क्योंकि इसका हमने पहले ही बता चुका कि जो पर्सन होगा कंस्टिट्यूशन होगा वो एनीमिक होता है, ठीक है, इमेंसिएटेड होता है, तो ये गर्ल्स एनेमिक होगी विद द वॉर्टेक्स हेडेक एंड फ्लॉटुलेंट डिस्पेप्सिया विच इज रिलीव बाय ईटिंग। तो यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है कि जो डिस्पेप्सिया होता है इसका मतलब इंडाइजेशन जो फ्लॉटुलेंसी है गैस, ये खाने से इसको रिलीफ मिलता है, ठीक है। और इस तरह के गर्ल्स में अगर वॉर्टेक्स हेडेक देखने को मिलता है देन यू कैन थिंक ऑफ द कैल्केरिया फॉस। और जो इसकी गर्ल होगी टॉल एंड ग्रोइंग रैपिडली, और खास करके ये इस तरह का आपको देखने को मिलता है प्यूबर्टी के केस में। तो प्यूबर्टी अचीव होते होते देखेंगे कि आप जो गर्ल्स बहुत छोटी थी वो बहुत ही जल्दी फास्ट में ग्रो कर गई, बहुत जल्दी लंबी हो गई, ठीक है। एंड टेंडेंसी ऑफ बोन टू सॉफ्टन और स्पाइन टू कर्व, तो बता ही दिया कि बोन वीक होता है स्पाइन वीक होता है, तो इसके कारण कर्वेचर की इसमें टेंडेंसी बहुत जल्दी ज़्यादा होती है, बोन भी कर्व हो जाता है स्पाइन भी कर्व हो जाता है, स्पेशली स्पाइन किधर की तरफ कर्व हो रहा था टुवर्ड द लेफ्ट। और इस तरह का सिम्टम्स थ्री डी वन में भी देखने को मिलता है। एंड आइए इसके बाद जो इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है इसका जीआई सिम्टम्स। जीआई सिम्टम्स अगर हम देखें तो ऐसे पेशेंट में फ्लॉटुलेंट डिस्पेप्सिया देखा जाता है इन गर्ल्स, अभी हमने बताया था प्यूबर्टी के टाइम में, तो फ्लॉटुलेंट डिस्पेप्सिया गैस पूरा एकदम भर जाता है, ठीक है, इंडाइजेशन होगा और ये रिलीव्ड बाय ईटिंग। तो ये इसमें पिकुलियर है कि ये सारी प्रॉब्लम जो इसकी होती है खाने से इसको रिलीफ मिलता है। एंड देन है डायरिया एंड ग्रेट फ्लैटुलेंसी इन स्क्रोफुलस चिल्ड्रेन ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड डेंटिशन, तो बच्चे में अगर डेंटिशन हो रहा हो, टीथ अपीयर हो रहा हो, तो खास करके फर्स्ट एंड सेकेंड डेंटिशन के टाइम में डायरिया या फिर अगर फ्लॉटुलेंसी देखने को मिलता है, बच्चे पेट में गैस बन गया, देन यू कैन थिंक ऑफ द कैल्केरिया फॉस। एंड डायरिया ऑफ द स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए भी दिया जाता है। एट एवरी अटेम्प्ट टू ईट कॉलिकी पेन इन द एब्डोमेन, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जब भी बंदा खाना खाता है तो खाना खाने के टाइम में इसमें कॉलिकी पेन होती है, ठीक है। क्रेविंग फॉर सॉल्टेड और स्मोक मीट, तो डिजायर भी इसका खास है कि सॉल्टेड या फिर स्मोक मीट के लिए इसकी क्रेविंग होती है, डिजायर होते हैं। एंड फिस्टुला इन एनो अल्टरनेटिंग विद द चेस्ट कंप्लेन, ठीक है। तो ये आपको वन लाइनर सिम्टम्स है, कभी कभी पूछा जाता है कि फिस्टुला इन एनो की चेस्ट कंप्लेन के साथ साथ ये अल्टरनेट कर जाता है, और इस तरह का सिम्टम्स बर्बेरिस में भी देखने को मिलता है। इसके बाद जो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है वो है इसको कोल्ड वेदर में अगर रिमेटिज्म होता है तो वहाँ भी दिया जाता है, विच इज गेटिंग वेल इन स्प्रिंग एंड रिटर्निंग ऑन द ऑटम। तो इस रिमेटिज्म में खास चीज़ें क्या है कि स्प्रिंग सीजन में ये सही हो जाता है बट
ऑटम आते आते पतझर आते आते फिर से क्या हो जाता है, रिमेटिज्म इसका स्टार्ट हो जाता है। एंड ऑल्सो गिवन फॉर द हेड एक ऑफ द स्कूल गर्ल्स एट प्यूबर्टी, तो डायरिया ऑफ द स्कूल गर्ल्स के लिए भी दिया जाता था और हेड एक ऑफ स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए भी दिया जाता है, और इस तरह का हेड एक स्कूल गोइंग गर्ल्स नरिनम म्यूर में भी देखा जाता है, सुरानम, ठीक है। एंड ऑल्सो गिवन फॉर द नॉन यूनियन ऑफ बॉन्स एज इट प्रमोट्स द कैलस फॉर्मेशन, सिम्फाइटा में भी ये सिम्टम्स है कि नॉन यूनियन ऑफ बोन, अगर बोन फ्रैक्चर हो गया हो या फिर नहीं अटैच हो रहा, तो उस कंडीशन में हम कैल्केरिया फॉस को देते हैं, क्योंकि ये बोन को यूनियन करवा देता है, बीच में कैलस फॉर्मेशन करके बोन को क्या करेगा, यूनाइट करने में हेल्प करता है, ठीक है। एंड देन है इनवॉलेंट्री साइन, तो मतलब ये इस तरह का डिफ ब्रीदिंग लेना, आह भरना आप कह सकते हो, कि बोलते बोलते कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो इस तरह का इसमें सेंसेशन होता है कि एकदम डिप आह भरता है, ठीक है, अपने प्रॉब्लम से अपने दुख से बहुत परेशान है, ठीक है, तो बोल रहा है तो मतलब इससे इसको रिलीफ मिलता है, यही है इसका इनवॉलेंट्री साइन। तो इसमें खुद ब खुद ऐसा होते रहता है, आपको प्रॉब्लम बोल रहा है और बोलते बोलते ये डिप आहें भरने लगे, ठीक है। देन फील कंप्लेंस मोर व्हेन थिंकिंग अबाउट देम, ठीक है, तो ये एक इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक तरह का वन लाइनर सिम्टम्स है कि ये अपने कंप्लेन के बारे में जितना सोचता है उतना ही ज़्यादा इसका कंप्लेन एग्रेवेट कर जाते हैं, ठीक है। देन है एलिमेंट्स फ्रॉम द ग्रीफ एंड द डिसअपॉइंटेड लव, ये इसका कॉजेशंस है कि इसके ग्रीफ से किसी भी तरह का अगर ग्रीफ हो या फिर डिसअपॉइंटेड लव का सिचुएशन हो तो उस कंडीशन में इसके प्रॉब्लम की शुरुआत होती है, ठीक है। इसके बाद इसका मॉडलिटी अगर हम देखें तो मॉडलिटी चूंकि ये होल सेंसिटिव पेशेंट है, इसलिए जो इसमें प्रॉब्लम होती है वो फ्रॉम द एक्सपोजर टू द डैम्प कोल्ड चेंजेबल वेदर ईस्ट विंड्स मेल्टिंग स्नो, ये इसका इंपॉर्टेंट है, मेल्टिंग स्नो एंड मेंटल एग्जर्शन, तो इससे इसकी प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। एमलोरेशन क्या है, इन समर वार्म ड्राई एटमोसफेयर, ठीक है। एंड देन एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट रिलेशनशिप, रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो कंप्लीमेंट्री टू रूटा होता है एंड सिमिलर टू कार्बो एनामेलिस कैल्केरिया फ्लोर कैल्केरिया कार्ब एंड फ्लोरिक एसिड, ठीक है, सिमिलर टू सुरानम इन डेबिलिटी एंड रिमेनिंग आफ्टर द एक्यूट डिजीज, अगर किसी भी एक्यूट डिजीज के बाद डेबिलिटी रह जाता हो, वीकनेस रह जाता हो, देन सुरानम का ये सिमिलर होता है कैल्केरिया कार्ब एंड ऑल्सो सिमिलर टू द सिलिसिया बट स्वेट ऑफ द हेड इज वॉन्टिंग, तो इसमें हेड का स्वेटिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा सिलिसिया में भी और कैल्केरिया कार्ब में मिल रहा था, ठीक है, बट यहाँ पे आपको कैल्केरिया फॉस में स्वेटिंग तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो सिलिसिया है यहाँ पे जो पिकुलियर चीजें हैं हेड में स्वेटिंग देखने को मिलता है। एंड एक्ट बेस्ट बिफोर द आयोडम सुरानम सेनिकुला सल्फर एंड देन ट्यूबरकुलम के बाद भी इसे दिया जाता है, ठीक है। तो ये है इसका कुछ रिलेशनशिप, तो ये था हमारा कैल्केरिया फॉस जो कि एक बायोकेमिक रेमेडी होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं कि चूंकि ये एक तरह के हमारे बॉडी में जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी डिफिशेंसी को फुलफिल करने के लिए भी दिया जाता है, तो उसके कारण जो भी सिम्टम्स अपीयर होते हैं देन यू कैन थिंक ऑफ द कैल्केरिया फॉस, खास करके जैसे आपको रिकेट्स का चिल्ड्रन में देखने को मिला, बोन इन्फेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरह का अगर सिचुएशन है देन यू कैन थिंक ऑफ द कैल्केरिया फॉस, तो ये था कैल्केरिया फॉस। इसमें इतना ही, अब आप एलन की नोट को अच्छे से एक बार रीड करिए, ठीक है, फिर आप मेमोराइज करने की कोशिश करिए इस ड्रग में क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट था। चलिए तो मिलते हैं नए ड्रग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।